जो फोर्थ नंबर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है आपका, तीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चौथा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं FOA से लिखूंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब आपका क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि दूसरी वाली स्पीशीज जो है उसमें डाइपोल है नहीं, यानी कि पार्शियल चार्जेस उसमें है नहीं, लेकिन इस आयन की वजह से इंड्यूस हो गए, यानी कि क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब आपका इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कैटायन, यू हैव अ कैटायन, ठीक है, एंड सपोज करो ये कैटायन है और मेरे पास है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सपोज करो, ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से आपका लिख सकती हूँ, दिस इज एच टू का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, यहां पर बीच में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, दोनों हाइड्रोजन आइटम दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे ही कैटायन इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास लेके आप आओगे, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल है नहीं है, कोई चार्जेस है नहीं है। अब आप इस कैटायन को जब आप इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास लेके आओगे तो क्या होगा कि ये कैटायन जो है इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल यानी कि चार्जेस क्रिएट कर देगा। कैसे, जैसे ही कैटायन इसके एनवायरमेंट में आया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पर मॉलिक्यूल के, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए, यहां पर आ गए। जैसे ही वो यहां पर आए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर यहां पर क्या क्रिएट हो गया, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर इस एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, तो ऑब्वियसली ये वाले एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो डेल्टा पॉजिटिव आ गया आपका। तो इस आयन ने इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर चार्जेस नहीं थे, इसके अंदर चार्जेस क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, तो ये डाइपोल मेरा क्या हुआ, इंड्यूस डाइपोल हुआ। इंड्यूस डाइपोल का मतलब आपका क्या है, ये वैसे तो डाइपोल नहीं था लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन इसके अंदर डाइपोल आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ यहां पर कि जो आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो होगा आपका, ये आपका डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर होगा। अब आप देखो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या था, दोनों ही डाइपोल थे, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, अब दोनों ही क्या थे, परमानेंट डाइपोल थे, ऐसा नहीं था कि जो दोनों ही डाइपोल आपके क्या थे, परमानेंट डाइपोल थे। परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या है कि ऐसा ये किसी चीज किसी और स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि इनके ऊपर डाइपोल क्रिएट हो, ठीक है, इनके अंदर अपने आप में ही क्या है, एक डाइपोल है और ये किसी और स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि इनके अंदर, जिसकी वजह से आपका डाइपोल क्रिएट हो रहा है। जैसे यहां पर ये जो डाइपोल है इंड्यूस डाइपोल, ये किस आयन के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक ये आयन इसके एनवायरमेंट में रहेगा तब तक इसमें डाइपोल रहेगा, और अगर मैं ये आयन आपका हटा देती हूं तो इसके अंदर से डाइपोल आपका क्या होगा, वैनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि सिर्फ जब तक आयन रहेगा तब तक इसमें डाइपोल रहेगा, अगर ये आयन हट जाएगा तो डाइपोल इसमें से हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइपोल है एक टेम्परेरी डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल नहीं है, जबकि यहां पर जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, यहां पर दोनों ही डाइपोल आपके क्या थे, परमानेंट थे, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे कि कोई चीज उनके एनवायरमेंट में आएगी तब उनमें डाइपोल क्रिएट होगा, अदरवाइज उनमें डाइपोल नहीं है, दोनों ही क्या थे, परमानेंट डाइपोल थे। यहां पर एक जो ये आपका है, ये आपका क्या हो गया, टेम्परेरी डाइपोल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टेम्परेरी डाइपोल और एक आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो परमानेंट डाइपोल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम ही होगा आपका, चाहे इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है लेकिन दूसरा वाला क्या है, टेम्परेरी है आपका, ठीक है। तो टेम्परेरी जहां पर एक जब जहां पर भी टेम्परेरी चीज आ जाएगी वो आपका परमानेंट वाले से क्या होगा, ऑब्वियसली वो आपका क्या होगा, वीकर होगा आपका। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, वीकर है। और हाँ ये चीज भी है, अगर कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पर भी आपका इंडक्शन क्या होगा, इजिली हो जाएगा और चार्जेस क्या होंगे, इजिली क्रिएट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और एक और चीज है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे
तो वो ज्यादा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे आपके, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। और डेल्टा पॉजिटिव भी यहां पर ज्यादा आएगा। सपोज करो इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये तो मैंने सिंपल आपका मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, अब इसका मतलब ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे उतना ज्यादा जब वो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होंगे आपके इस आयन की वजह से, तो उनके ऊपर डेल्टा नेगेटिव भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। और उनमें अट्रैक्शन भी क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डबल फोर्स की वजह से आपका ज्यादा होगा आपका, ठीक है, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्पीशीज जो कि आपकी है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर डाइपोल नहीं है, ठीक है। ये जो स्पीशीज थी जिनके अंदर डाइपोल था उनको हम क्या कहते हैं, पोलर स्पीशीज। पोलर स्पीशीज वो होती है जिनके अंदर डाइपोल होता है, ठीक है, यानी कि जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है। पोलर स्पीशीज वो है जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है, और डाइपोल मूवमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दी डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका एक डाइपोल है, इन दोनों के बीच में आर आपका डिस्टेंस है, तो ये आर डिस्टेंस हो गया आपका, और ये डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव दोनों से कोई भी एक चार्ज ले लोगे, वो वैल्यू पुट करोगे, तो क्या आएगी वैल्यू, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आएगी। तो डायपोल मूवमेंट कब आएगा आपका मॉलिक्यूल का, जब चार्ज होगा इसके अंदर। अगर चार्ज जीरो हो गया तो डायपोल मूवमेंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया, और अगर डायपोल मूवमेंट जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा और आपका पोलर नहीं रहेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल वो है जिसका डाइपोल मूवमेंट आपका क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, उसका चार्ज जो होता है वो आपका नॉन जीरो होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो है जिसका डाइपोल मूवमेंट आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और क्यों जीरो है डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि उसका चार्ज आपका क्या है, जीरो है। तो चार्ज जीरो हो जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा, चार्ज नॉन जीरो होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट जीरो है क्योंकि इसका चार्ज आपका क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो स्पीशीज थी, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस नहीं थे इनिशियली, तो चार्ज नहीं था, तो चार्ज नहीं था तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो था, तो ये मेरी कौन सी स्पीशीज हो गई थी, नॉन पोलर स्पीशीज हो गई थी आपकी, ठीक है। जैसे इसके अंदर अब इसके अंदर जो डाइपोल क्रिएट हो गया, तो जो पोलैरिटी इंड्यूस, अपन फिर भी मैं इस मॉलिक्यूल को पोलर नहीं कहूंगी, क्यों, पोलर मैं तभी कहती हूँ किसी भी मॉलिक्यूल को जब उसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। ये जो चार्ज इसके अंदर क्रिएट हुआ है ये सिर्फ टेम्परेरी क्रिएट हुआ है, परमानेंटली नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ तब तक है जब तक ये कैटायन इसमें है। तो इस स्पीशीज को मैं कभी भी पोलर नहीं बोल सकती, मैं इसको नॉन पोलर ही बोलूंगी, चाहे आपका कैटायन यहाँ पर प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले के अंदर आपका ये जो चार्ज आता है वो परमानेंट वाला चार्ज होता है, टेम्परेरी वाला चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिफ्थ वाला आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिफ्थ वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका वो है डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा जो काम आपका एक आयन ने किया है, एक आयन ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जिसके अंदर चार्जेस नहीं थे उसमें चार्जेस क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, किसने, एक आयन ने, तो वही सेम काम एक परमानेंट डायपोल भी कर सकता है। आप आयन की जगह एक परमानेंट डायपोल यहाँ पे रख दो, उसका पॉजिटिव एंड यहां रखो और नेगेटिव एंड यहां रखो, तो ये मेरा क्या है, परमानेंट डायपोल है, ठीक है। अब ये परमानेंट डायपोल का भी पॉजिटिव एंड देख करके ऑटोमेटिकली इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके, और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये भी आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, ठीक है, और इसके अंदर आपका डाइपोल क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल रख दिया। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा था, जिसका एक परमानेंट डायपोल था। तो ये आपका क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है,
पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट जो है वो आपका क्या है? नॉन जीरो है। डायपोल मूवमेंट आपका क्या है? नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है? क्योंकि इसका चार्ज जो है वो आपका नॉन जीरो है। और ये जो चार्जेस जो है ये परमानेंट चार्जेस है, इसीलिए मैं इसको मैं क्या बोल रही हूँ? परमानेंट डायपोल बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ड्यू टू द इंडक्शन इंड्यूस्ड बाय दिस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दीज आर दी जस्ट टेम्परेरी चार्जेस, दीज आर नॉट दी परमानेंट चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपका आता है लास्ट फोर्स ऑफ, ये आपका नंबर फिफ्थ था डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दो एक चीज कॉमन है, क्या? आयन इंड्यूस्ड डायपोल में भी यहां पर इंड्यूस्ड डायपोल है और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में भी यहां पर क्या इंड्यूस्ड डायपोल है। ठीक है, यहां पर आयन क्रिएट कर रहा है, फर्क से जितना यहां पर आयन क्रिएट कर रहा है और यहां पर डायपोल क्रिएट कर रहा है आपका, तो ऑब्वियसली बात है आयन जो है वो ज्यादा इजीली क्रिएट कर पाएगा इसमें डायपोल, क्योंकि इसके ऊपर फुल ब्लोन पॉजिटिव या फुल ब्लोन नेगेटिव चार्ज है, जबकि डायपोल पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है आपका, तो ये उतने अच्छे से यहां पर इंड्यूस डायपोल नहीं कर पाएगा जितना आपका आयन कर पाएगा। तो आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा स्ट्रॉन्गर है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जो आपका फिफ्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्थ वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी कि आयन डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका क्या है? वीकर है। ठीक है, अब हम आपका लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लास्ट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। या फिर इसको लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं, ये चारों इसी के ही नाम है। अब ये कैसे क्रिएट होता है? नाम से आपको पता लग रहा है इंड्यूस डायपोल का मतलब क्या है? दूसरे वाले मॉलिक्यूल में डायपोल क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है, यानी कि उसका खुद का परमानेंट डायपोल नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका किसका? हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल का ही ले सकते हैं, जैसे H है और H है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी बीच में ही है क्योंकि अभी मैं इसकी विसिनिटी में कुछ लेकर नहीं आई। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है जो शेयर हो रहे हैं आपका H2 मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, दिस इज योर H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? ये इंड्यूस डायपोल, यानी कि इसके अंदर डायपोल इंड्यूस होगा किसकी वजह से? इस डायपोल की वजह से। अब ये जो डायपोल है ये भी एक परमानेंट डायपोल नहीं है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट इंस्टेंट यानी कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये डायपोल क्रिएट होगा, यानी कि ये डायपोल भी आपका क्या परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये वाला जो डायपोल है ये आपके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्रिएट होगा। ठीक है, और जिस इंस्टेंट पर ये डायपोल क्रिएट होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्रिएट कर देगा? डायपोल इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं एग्जांपल ले रही हूं आपका दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ले रही हूं, सपोज करो ये रहा आपका पहले वाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अब दोनों ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं आपका क्या पढ़ते आए हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट क्या है? जीरो है।
डार्कवर्ड मूवमेंट क्यों जीरो है, क्योंकि डार्कवर्ड मूवमेंट होता है आपका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, और हमें पता है इस दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है तो इसके ऊपर चार्जेस तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली बराबर होगी आपकी। तो दोनों इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो इसके ऊपर थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना इसके ऊपर थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही है, ना तो ज्यादा इसकी तरफ है और ना ज्यादा इसकी तरफ है, क्योंकि दोनों एटम्स क्या आइडेंटिकल है। तो जब चार्जेस ही इसके अंदर नहीं है, चार्ज ही जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज जीरो हो गया तो डार्कवर्ड मूवमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डार्कवर्ड मूवमेंट जीरो होते ही ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। और हम बोलते हैं ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। तो ये अब कैसे आता है, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है इनके बीच में जब चार्जेस नहीं है, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी से कैसे। आपको पता है अगर हम ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, तो ये जो नॉन पोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हमें पता है 11 क्लास से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी पोजीशन को आप लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर उनकी पोजीशन को हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको लोकेट नहीं कर सकते उसकी पोजीशन को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन मूविंग। तो मैं कह रही हूं ये इलेक्ट्रॉन बीच में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 95% चांस है, या 99% भी अगर हम कह रहे हैं कि 99% चांस है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ही बीच में ही मिलेंगे आपको, लेकिन 1% चांस है वो इधर या उधर मिल सकते हैं, राइट या लेफ्ट में भी आपके क्या मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट तो नहीं कर सकते, हम उसकी क्या बता सकते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स को हम बता सकते हैं। तो हमने ये, जब मैं कह रही हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के बीच में है लोकेटेड, तो इसका मतलब ये, मैं ये कह रही हूँ कि 99% चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर लोकेटेड है, बट हाँ 1% देयर मे बी अ चांस कि वो इधर या उधर हो आपका, ठीक है। तो अगर आपका उस 1% चांस में अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां लेफ्ट में चले गए, ठीक है, अगर उस 1% चांस में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में चले गए, तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उस 1% चांस में यहां आए, उस टाइम पर यहां पर उस इंस्टेंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया। जैसे यहां पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, उसने क्या किया, दूसरे बड़े हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखा और उसके अंदर इंड्यूस कर दिया क्या, डाइपोल, ठीक है। तो इसने आपका इंड्यूस कर दिया क्या, डाइपोल। कैसे, अब ये डेल्टा पॉजिटिव देख करके ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स थे दूसरे वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, वो लेफ्ट साइड पर यानी कि यहां पर क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका, ये भी आपकी, ये भी आपका क्या बन गया, आपका डाइपोल बन गया। तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव आ गया और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, तो इस डेल्टा पॉजिटिव को देख करके ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगी, इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि ये डायपोल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बन रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बन रहा है, हर टाइम पे नहीं है डायपोल, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे बन रहा है। तो ये डायपोल मेरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। और जिस इंस्टेंट पर यहां पर इस मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट हुआ, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। तो इसे मैं क्या कहूंगी, दिस इज माय इंड्यूस डायपोल। तो मैं कहूंगी इन दोनों में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका किस चीज पे आपका डिपेंडेंट करता है, लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब आप देखो जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हम बोलते हैं दीज आर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द नेचर। वीकेस्ट का मतलब क्या है, कि दोनों ही टेम्परेरी है, ये भी इंस्टेंटेनियस डायपोल, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये डायपोल बना हुआ है, नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये डायपोल बन रहा है। तो इसका मतलब इसका नेचर भी क्या है, टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है आपका, और ये भी ऑब्वियसली टेम्परेरी है, क्योंकि इसके इसका बनना या ना बनना इसके बनने पर डिपेंड करता है। अगर ये बन गया आपका, तो ये इसके अंदर क्या इंड्यूस कर रहा है, डायपोल इंड्यूस कर रहा है। तो ये आपका, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, टेम्परेरी हो गया आपका।
तो दोनों ही आपके क्या हो गए, टेम्परेरी हो गए। अब जहां पर दोनों ही चीजें टेम्परेरी हो तो वो तो आपका वीक होगा ही होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आपका वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ये वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका डिपेंड करता है, हम बोलते हैं ना कि मोर द मोलर मास ऑफ द स्पीशीज मोर इज द वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मोलर मास ज्यादा होने से वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है, वो ऐसे बढ़ता है अगर स्पीशीज का मोलर मास बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें एटम्स बढ़ रहे हैं। अगर उसमें एटम्स बढ़ रहे हैं तो उस स्पीशीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके स्पीशीज के अंदर उतना ज्यादा यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और उतना ज्यादा यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, अगर ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता और उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो सोचो उस मॉलिक्यूल के एक साथ सभी उन सबके इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक साइड पर जब सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो डेल्टा नेगेटिव कितना ज्यादा आएगा। अगर एटम्स में अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं तो जब वो एक साथ मॉलिक्यूल के अंदर एक साइड पर शिफ्ट होंगे तो उस पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, और उतना ही ज्यादा ये आपका वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका होगा। तो हम ये कह देते हैं आपका शॉर्ट में क्या कि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में वो मोलर मास पे नहीं, वो आपका नंबर ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स। पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं। पोलैरिटी मतलब डाइपोल मूवमेंट, यानी कि डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यही बोलते हैं बेसिकली, तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे ही है कि मोर द मोलर मास मोर इज द वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसका रीजन यही है, मोलर मास ज्यादा होना मतलब नंबर ऑफ एटम्स का ज्यादा होना, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो रहे हैं आपके तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहला तो आपका जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पहला फैक्टर आपका डिपेंड करता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, सॉरी जो पहला फैक्टर आपका वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को गवर्न करता है वो हो गया आपका मोलर मास। तो पहला फैक्टर हो गया आपका मोलर मास। मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरा आपका जो आपका दूसरा फैक्टर है जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को गवर्न करता है वो है कॉन्टैक्ट एरिया। अगर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर अभी तो इसका सिर्फ इतना सरफेस इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, अगर इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाए तो वो आपका ज्यादा एरिया से कॉन्टैक्ट में आएगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एरिया के। अगर इसका कॉन्टैक्ट एरिया ही कम है तो ये इसमें कम इंडक्शन कर पाएगा डाइपोल का। अगर इसका कॉन्टैक्ट एरिया यानी कि इसका सरफेस एरिया अगर आपका ज्यादा होगा तो ज्यादा इजिली कॉन्टैक्ट बना पाएगा आपका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल किससे कॉन्टैक्ट बनाएगा, सरफेस से ही तो बनाएगा आपका। तो अगर सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा तो ये इजिली, हम इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के थ्रू मॉलिक्यूल इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या बना रहा है, दूसरे वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से क्या बना रहा है, आपका इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हम कहेंगे इसका कॉन्टैक्ट एरिया आपका क्या है, ज्यादा है। कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इसमें इंडक्शन भी क्या होगा, डाइपोल का ज्यादा होगा आपका, ज्यादा इजिली हो पाएगा आपका डाइपोल का इंडक्शन इसके अंदर, क्योंकि ये इजिली आपका क्योंकि ज्यादा सरफेस से अब आपका मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया से। तो हमें बोलते हैं अगर आपका सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आपका वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा फैक्टर जो आपका गवर्न करता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो आपका है सरफेस एरिया। हायर द सरफेस एरिया मोर इज द वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? So with this video ends.